करूं। एक संस्कार की पंक्तियां पहले चार पंक्तियां इस पावन भूमि के नाम निवेदन है आयोजक मंडल थोड़ा सा भैया चौधरी जी उधर जाकर बात करो अगर आवश्यकता ही है। चार पंक्तियां आपको निवेदन कर रहा हूं पहले इस पावन भूमि के नाम कि यहां अल्लाह यहां ईश्वर सदा ही साथ रहते हैं। यहां अल्लाह यहां ईश्वर सदा ही साथ रहते हैं और यहाँ के जर्रे जर्रे में नए जज्बात बहते हैं। यहाँ पर साथ होती आरती आयत अजानों की यहाँ पर साथ होती आरती आयत अजानों की इसी पावन धरा को हम कठुमर धाम कहते हैं। इसी पावन धरा को हम कठुमर और चार पंक्तियां आज हमारी माताएं बैठी हैं वीरांगनाएं बैठी हैं इनकी अगर हम सेवा करेंगे तो हमको बहुत बड़ा पुण्य लाभ मिलेगा। ये हमारी नहीं भारतवर्ष की माताएं हैं। चार पंक्ति निवेदन कर रहा हूं कि जिन मात पिता न सेवा करी बिन मानव जन्म मिलो न मिलो। जिन मात पिता न सेवा करी बिन मानव जन्म मिलो न मिलो। और जिनने धर दे धन धान मिलो न मिलो। जिन वेद पुराण पढ़े नगुने जिन वेद पुराण पढ़े नगुने बिल्कुल सद ज्ञान मिलो न मिलो। और जिनकून नागर नाय मिले बिनकू ब्रज धाम मिलो न मिलो। जिनकून नटना और चार पंक्ति हम यह ब्रज भूमि में रहे हमारो पूरा क्षेत्र कठुमर को भरतपुर को नगर को ब्रज को क्षेत्र है। ये ब्रज है कहा है कितनों रमणी के ब्रज शब्द हम कहते हैं ब्रज की भाषा ना जाने ब्रज में है का चीज। अभी होरी को समय चल रहा है देखो साहब कि कुंज बड़े है कछार बड़े ये जी कुंज बड़े है कछार बड़े है तड़ाग बड़े वन बाग बड़े और होरी बड़ी हुरियार बड़े ढपढोल बड़े सब साज बड़े ए जी नंद बड़े नंदलाल बड़े जी नंद बड़े नंदलाल बड़े हे गोपाल बड़े गिरिराज बड़े और ब्रज भाषा बड़ी ब्रज बानी बड़ी ब्रज रानी बड़ी ब्रज राज बड़े ब्रज भाषा बड़ी। और मैं नगर से आया हूँ वहां से अपनी बात शुरू करता हूँ कि नगर से कवि सम्मेलन में बुलाया गया कैसे मैं सुनाऊंगी तो आप ही बताइए और जैसे भी सुनाऊं सुन लेना मेरे मीत देखो रूठ कर मेरी आत्मा को ना दुखाइए कि मुझसे बड़े ही मेरे चाचा ताऊ भैया सुनो मीठे गीत सुन मेरा हौसला बढ़ाइए और मेरी बात आप तक पहुंच गई हो तो यार एक बार जोरदार तालियां बजाइए एक बार जोरदार तालियां।
और कवि सम्मेलन में तालियां जरूरी क्यों होती है कि बोलत है मीठे अनमोल बोल कोयलिया, झूलत बसंत माहे हरी भरी डालिया, भरे आवे मुख माहे पानी सुनो मेरे यार, भरी दीखे माल पुआ खीर सोहे थालिया, कि लागत है बहुत सुहाने सर सात खेत, ले लहाती दीखे जब गेहूं की बालिया, और कभी सम्मेलन में बजा तो जब आवे यार बजे जब श्रोतन की जोरदार तालिया, बजे जब श्रोतन की जोरदार तालिया। हमने पाकिस्तान को आज हम शहीद दिवस मना रहे हैं और शहीद दिवस का हमारी सार्थकता जब होगी, जब हम हमारी माता बहनों के सम्मान, इनका समर्पण और इनकी त्याग की भावना को से आपको जोड़ता हूं। अगर इनका त्याग समर्पण कैसा है, चार पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने गौरी नाम की मिसाल बनाई, मिलकर हम शंकर नाम की मिसाल बनाएंगे, क्योंकि शंकर देवादि देव है, उनसे बड़ा कोई देवता नहीं है। अगर शंकर नाम की मिसाल बनती है तो विश्व में उससे बड़ी कोई मिसाल नहीं होगी। चार पंक्ति देखिए, विशेष ध्यान से सुनना। पाकिस्तान के नाम एक छंद भाई साहब, या आवश्यक कार्रवाई पीछे कर लीजिए, मैं फिर कब श्रोताओं का ध्यान बढ़ जाता है। अब शुरू करूं, जोरदार ताली बजाए भाई साहब का ढाल छोड़ा, कि पाकिस्तान ने गौरी नाम की मिसाल बनाई और हम शंकर नाम की मिसाल बनाएंगे। एक चार पंक्ति देखिए, कि चूर चूर कर देंगे तेरा अभिमान हम, तो कुतिनों में हूं हम तारे देखे लाएंगे, कि चूर चूर कर देंगे तेरा अभिमान हम। यहाँ शेरों की बलि चाहे कितनी भी चढ़ जाए, लेकिन सीमा पर शेर खड़े ही पाएंगे, वो हमारी इन माताओं की बदौलत। हमारी माताएं, बहनें, पत्नियां किस तरह से वीर को सीमा पर भेजती है, कुछ पंक्तियां आपके चरणों में रख रहा हूं। कि भेज रही पुत तुझे आज मैं पिवा के दूध, मात भारती की लाज तुझको बचानी है। मां कह रही है कि भेज रही पुत तुझे आज मैं पिवा के दूध, मात भारती की लाज तुझको बचानी है, और सोनो भ्रातर राखी की सौगंध दे रही हूँ तुम्हें, रण माही कर नाना बात बच कानी है। कि कंगना उतार ब्रज नीली मोल उठी नर, ऐसी देना मार मेरी मांग जाए पानी है, और तेरी तो निशानी मेरी कोख में रही है पल। सुन सैया तू तो पूरे देश की निशानी है, सुन सैया तू तो पूरे देश की निशानी है। और देखिए कि कितनी ही माताओं ने सीमा पार भेजे लाल, जिनका ना कोई हाल चाल मिल पाएगा, और कितनी ही बहनों ने राखियों से भेजा प्यार, जिसे बांध कर वीर सीमा पार जाएगा, और कितनी ही वीर नाव ने भेजा सिंदूर, बैरी का गुरूर चूर चूर कर आएगा, और आएगा तो लौट के मनाएगा दिवाली फिर, नहीं आया नाम तो अमर कर जाएगा, नहीं आया नाम तो अमर कर। बहुत सी माताएं बहने में अच्छी है, जिनके बेटे, जिनके पति, जिनके भाई इस सीमा पर शहीद हुए, लेकिन आज वो अमर है, आज जिनका यहाँ संस्कार हो रहा है, आज तुम्हारा सम्मान नहीं, उनका भी उनका सम्मान हो रहा है आज आपके साथ, जब ये पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। और हमारी माताएं हैं कैसी, कि भारत की आन बान, माँ कहती है अपने बेटे से कि भारत की आन बान सार ऊंची रहे सदा, जीने मरने के संस्कार तुझे दूंगी मैं, और शीश कट जावे तो भी बढ़ना है आगे तुझे, पावन या कोख पे गुरूर तो करूंगी झूंगी मैं, और आयो छाती गोली खाए छाती सो लगाऊं तो खाई पीठ गोली सुन पीठ फेर लूंगी मैं, खाई पीठ गोली सुन पीठ फेर लूंगी मैं। और अंतिम स्पर्श है कि खिलते गुलाबों की सुगंध यदि चाहते हो,
कांटे भरे ताजे को स्वीकार करना सीख लो और मुस्कुराती उषा माधुरी यदि चाहते हो घोर अंधकार में भी यार जीना सीख लो। जीवन में यदि सर्वानंद लेना चाहते हो भारी घन घोर यार कष्ट सहना सीख लो और आजादी का स्वाद मन से जो लेना चाहते हो मात भारती पर बलिदान होना सीख लो। मात भारती पर बल भारत माता की, भारत माता की, वीर शहीदों की, वीर शहीदों की जय। जय वीर शहीदों पर जय घोष के साथ माननीय हरीश हरी नगर हरीश की उपमा देते हैं संतवादी हरी।